top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. सब मीडियम काफी थी ठीक है वो फ्लड कर देते ऐसे मस्ती मजाक हम लोग करते हैं लेकिन मुझे ये लगता है कि लोग पहली फिल्म की जैसे मैंने आपको बताया मैंने सीरियल थिएटर बहुत किया है कॉमेडी एक्सीडेंटली शुरू की पर इसमें लोगों ने इतना प्यार दिया जो चीज मैंने प्लान नहीं की थी उसमें लोगों ने इतना प्यार दिया तो जिसमें मैंने शुरुआत की थी शायद वो भी मैं आगे चलती चीजें करूंगा पर हाँ ये जैसी फिल्म है जो लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे फिलहाल जैसे कि ऑर्डिनरी कॉमेडी हो और कॉमेडी तो है इसमें तो इसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी हैं रोमांस भी कर रहा हूँ मैं मेरे को काफी उन्होंने सिखाया कैसे पहले पहले मैं करता था रोमांस करते हुए मुझे लगता था कि नहीं यार राजस्थान में शूट करने गए हैं किसी की बहू बेटियां आई बेचारी लाइट में बैठ के क्यों पकड़ के खींचू मैं सर मुझे उन्होंने बताया कि नहीं तुम्हारे लिए है तो वो सब चीजें हैं इसमें और बड़ी बात है कि पहली फिल्म में तो लोग कॉमेडी ही एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वही उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमने ये फिल्म बनाई है मजा आया और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जब आवाज मुस्कान सर से मैं पहली बार मिला तो मैंने ये कहा था मैंने कहा सर मेरे शो में लोग जो शो देखते हैं कॉमेडी में बड़ा इजी होता है बिलो द बेल्ट उतर जाना वल्गर कॉमेडी कर देना वो बड़ा मुश्किल रहता है मेरी कोशिश रहती है कि भले ही ह्यूमर कम हो लेकिन क्लीन हो तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ देखते हैं दादा दादी के साथ देखते हैं तो मैंने कहा सर हमारी फिल्म भी ऐसी होनी चाहिए सो ये भी बिल्कुल इस बात से सहमत है तो बोलते हैं कि यार हम लोगों ने भी यही सोचा है कि हम लोग एक क्लीन कॉमेडी फिल्म बनाएंगे जिसको बच्चे हमेशा की तरह जैसे तुम्हारा शो देखते हैं वैसे ये फिल्म भी देखें तो बस ये हाजिर है हम लोग आप लोगों के सामने फिल्म देखकर हाई फिल्म की जैसे लिखा गया इसको कि कैसे तीन शादियां होती हैं और वो चाहता भी नहीं उनसे लेकिन बताना भी चाहता है ये भी नहीं कि नेगेटिव किरदार है बड़ा लवेबल किरदार है जो ऐसा करके उसका नाम है अच्छा ऐसा करके उसका नाम भी ऐसा करके है शिवराम किशन बेसिकली शाहरुख भाई भी दिल्ली से थे उनको भी उन्होंने लॉन्च किया था काफी सिमिलरिटी है ना सो ये पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है तो वो ये कि वो तीन बीवियों से जब शादी हुई तो उसको मैनेज कैसे करता है तो प्यार करने का तो उसको बेचारे को मौका कम मिलता वो संभल ही गया बच ही गया सारे मुझे लगता है कि पर वही है सर जैसे मैंने पहले पहले कहा कि जब मैंने थिएटर करता था तब नहीं ये भी सोचा था कि कभी कॉमेडी करूंगा जब कॉमेडी करता था स्टैंडअप कॉमेडी कभी ये भी सोचा था कभी अपना शो बनाऊंगा अपना शो बनाया तो ये भी सोचा था कि कभी फिल्म करूंगा आज फिल्म करिए हो सकता है कल को एक्शन में क्योंकि मैंने जिनके साथ पहली फिल्म शुरुआत की है ये एक्शन के बादशाह माने जाते हैं थ्रिलर के बादशाह माने जाते हैं तो पहली फिल्म हम लोगों ने कॉमेडी की है इन्होंने मेरे हिसाब से की है दूसरी फिल्म मैन के हिसाब से डेवलप करना पड़ता है